चिंता हो और वो सो जाए और सोते सोते लंबी नींद मारे उसका वजू टूट जाएगा। भाई गहरी नींद आ जाए तो वजू टूट जाए। और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना भी सोए आपका वजू क्यों? हमारे नबी फरमाते तनामु आयना वला यनामु कल्बी। हमारे नबी फरमाते मेरी आंखें मुबारक बंद होती है मगर मेरे दिल की धड़कन तो अल्लाह अल्लाह करती है। अब हमारे नबी हजरत अली के गोद में सर रखे हुए हजरत अली सोचे कि नबी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बेदार नहीं कर सकता। हजरत अली ऐसे ही बैठे रहे, कभी आसमान के सूरज को देखे, कभी मोहम्मद को देखे। बहुत गुजरता गया, सूरज डूब गया, मतलब असर की नमाज बोलो, पूरा मजमा बोले असर की नमाज कज़ा हो गई। अब हजरत अली की आंखों में आंसू आए और आंसू का एक कतरा नबी के गाल मुबारक पर लगा। हालांकि काफी देर हो गई, सूरज गुरूब होने के बाद भी देर हो गई, लेकिन वो आंसू का कतरा नबी के गाल मुबारक पर आया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें खुली और हमारे नबी ने पूछा अदब क्यों अली, अली रो रहे हो, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो हजरत अली ने फरमाया मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। हमारे नबी ने फरमाया अमा सल्लैतल असर या अली, अली तुमने असर की नमाज नहीं पढ़ी। हजरत अली ने फरमाया कैसे पढ़ता, अल्लाह के रसूल में कैसे पढ़ता, आपने मुझ पर पाबंदी लगाई थी कि रास्ते में ठहरना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, न वजू न तयम्मुम, मैं कैसे असर की नमाज पढ़ता, मैं यूं गया और यूं आया और आने के बाद मैं आपको बताना चाहता था कि मेरी असर की नमाज बाकी है, लेकिन आपका मुबारक सर मेरी गोद में आ गया और आप सो गए, मैं आपको भी डिस्टर्ब नहीं कर सका। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा कौन कहता है कि असर की नमाज कज़ा हो गई? हजरत अली ने फरमाया हो गई कज़ा, सूरज डूब गया। हमारे नबी ने कहा तुम ही आली, अली खड़े हो जा। हमारे नबी भी खड़े हुए, वहाँ 1400 सहाबा थे। बोलो कितने सहाबा थे, आवाज़ से बोलो कितने सहाबा थे, 1400 सहाबा थे। अब क्या मंजर होता है, हमारे नबी भी खड़े हैं, अली खड़े हैं और 1400 सहाबा खड़े हैं। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली मुबारक से इशारा फरमाया, जहां सूरज डूबा था वही हमारे नबी ने यूं इशारा फरमाया। दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने फिर इशारा फरमाया, तीसरी मर्तबा फिर हमारे नबी ने इशारा फरमाया। 1400 सहाबा कहते हैं हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करते गए, करते गए, करते गए। डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए, सूरज वापस आ गया। हमारे नबी ने कहा अली कौन कहता असर का वक्त चला गया, पढ़ो असर की नमाज। अब हजरत अली वैसे भी नमाज बहुत लंबी पढ़ते थे, अरे बोलो हजरत अली वैसे भी नमाज बहुत लंबी पढ़ते थे। हजरत अली वजू किए, अल्लाह अकबर, बोलो कौन सी नमाज शुरू, और हजरत अली रो रहे नमाज में, इसलिए रो रहे कि मेरे अकेले की नमाज के लिए सूरज वापस, मेरे अकेले की नमाज के लिए सूरज वापस। अब हजरत अली रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, नमाज लंबी होती जा रही, नमाज लंबी होती जा रही। अरे 1400 सहाबा है, उसमें एक देहाती साहबी भी है, गांव के रहने वाले, जिसको बद्दू कहते हैं, आराबी कहते हैं, देहाती कहते हैं। वो सारी दौड़ते दौड़ते आए और कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे नबी ने पूछा क्या समझ में नहीं आ रहा, अच्छा खासा सूरज डूब गया था, रात का वक्त हो गया था, आपने उंगली के इशारे से सूरज को वापस लाए और अब सूरज वापस आसमान पर आ गया, अब ये कब डूबेगा, रात कब आएगी? हमारे नबी ने फरमाया मुझे मत पूछो सूरज कब डूबेगा, अली को पूछो नमाज कब मुकम्मल होगी। तो हमारे नबी तो वो नबी थे जो उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को भी, सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी मोहब्बत है, अरे बोलो ना हाँ या ना, मोहब्बत है नबी से। पूरा मजमा यकीन के साथ कहता है कि हमको मोहब्बत है, तो एक साथ में बोल दे मुस्तफा का दामन, दामन आवाज से बोल दे मुस्तफा का दामन, दामन पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, मक्का के जंगलों में जाए हमारे नबी, मक्का के सहरा में जाए हमारे नबी, मक्का के बयाबान में जाए हमारे नबी। फरमाते बहुत से दरख्त और बहुत से पत्थर मुझे याद है जब मैं मक्का के जंगल
मजबूर हो जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मेरे प्यारो, हमारे नबी की शान इतनी अजीब है, इतनी ज्यादा है कि अगर आप कुरान उठाकर देखें ना तो आपको हमारे नबी की शान समझ में आएगी। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, सब लोग बिल्कुल लिखे, ये सवाल है कि हम वफादार है या गद्दार है। सवाल आपकी घड़ी में टाइम देखो, 10:15 तकरीबन, 10:15 बजे थे, वो 10:15 से अभी 10:15 कितने घंटे हुए? 12 घंटे में वफादार के गद्दार, 12 घंटे में हमने कुरान कितनी मर्तबा पढ़ा और मोबाइल कितनी मर्तबा इस्तेमाल किया। मौलाना अब्दुल जलील साहब और हमारे बड़े आलिम मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, यहाँ 50% से ज्यादा मजमा वो बैठा होगा जिसने आज पूरे दिन में कुरान को हाथ भी नहीं लगाया होगा, कुरान को छुआ भी नहीं होगा। पढ़ना दूर की बात, पढ़ाना और दूर की बात, समझना और दूर की बात, समझाना और दूर की बात। मैं कहता हूँ यहाँ 50% माले गांव का मजमा जिसमें हमारी माए बहने बेटियां भी होगी जिन्होंने कुरान मजीद को छुआ नहीं होगा, बल्कि अफसोस होता है छुआ नहीं होगा, अरे मोहब्बत से एक बार कुरान को देखा भी नहीं होगा। और मोबाइल पर रात को 2 बजे तक बिजी होता है। ये हमारे बहुत से जवान गद्दार हैं, गद्दार हैं, हमारे खून के अंदर गद्दारी की बू आती है। रात को 2-2 बजे तक हमारे ये जवान मोबाइल पर है। अरे मेरे दोस्तों, जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, जुआ खेला जाता है मोबाइल में, किसी पे तोहमत लगाई जाती है मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, चुगली की जाती है मोबाइल में। अरे मेरे प्यारो, हमारे माले गांव में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, अल्लाह की कसम, अगर तलाके होती है तो उसकी वजह भी। और ये 12 घंटे में 50 से ज्यादा मजमा यहाँ पे वो है जिन्होंने कुरान पाक को देखा तक नहीं है। आज 12 रबीउल अव्वल ना, हमारे नबी क्या लेकर आए थे? कुरान, और वो कुरान को देखा। भाई बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है भाई, ऐलान कर देने का, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा सादिक पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अल्लाह की कसम, हर दामन के नीचे अल्लाह ने जन्नत को बिछाया है। मगर माले गांव वाले झूठ बोलते हैं, गद्दारी। कौन से नबी के दामन को थामा हमने? पूरे पूरे 24 घंटे हमारे हाथ में कुरान नहीं आता, और मुस्तफा का दामन, ये गौसबाग का दामन है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है। मोबाइल पर झूठ बोलना, मोबाइल पर गलत गलत एपिसोड पे जाना, मोबाइल के ऊपर घंटे घंटे काम करना, अरे मेरे प्यारो, हमारे मोबाइल में रात को 2 बजे हमारे मोबाइल पर नंगी औरत आती है, आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है, और हम अपने दोस्त को फोन करते, बहुत अच्छी क्लिप आई है तेरे को भेजू, वो कमीना वहां से बोलता है भेज, यहाँ से बटन दबाया, ये औरत बराहना आधा कपड़ा पहनी नाचती हुई उसके मोबाइल में जाती, और वो 10 मिनट के बाद कहता है बहुत अच्छी क्लिप भेजा, इसी दूसरी आवे तो भेज देना। माने गांव वालों, ये जो औरत जो नाच रही थी, अगर वो हमारी बेटी होती तो जैसी करनी? बोलो बोलो, अगर हमारी बेटी होती हम दोस्त को फोन करते, मेरी बेटी आधा कपड़ा पहन के नाच रही है देख ले। हमारी बेटी होती, हमारी घर की बहू होती, हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, अल्लाह की कसम हम कभी ऐसा काम नहीं करते। किसी और की बेटी को बेटी नहीं समझने का, ये इसलिए अल्लाह ने हमको कैदा किया कि रात को 2 बजे नंगी औरतों को देखना, एपिसोड देखना। मौलाना अब्दुल जलील, कसम अल्लाह की, इतनी ईशा और मगरिब छूटती है और IPL में जाती है। या मालूम है अभी कोई एपिसोड चला है? मुझे तो एक आदमी ने कहा, मैं तो हैरान हो गया, मेरे को कहा कि 800-900 एपिसोड उसके तैयार हुए, वो अर्तबुल कुछ कहते हैं। हाँ, ये क्या है मेरे प्यार? कौन सी शरीयत इसकी इजाजत देती है? कौन सी शरीयत इसकी परमिशन देती है? कौन सी शरीयत इसकी इजाजत देती है कि मगरिब की नमाज के झना
अल्लाह हालात नहीं बदलता, दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, तो अल्लाह को जब इतना नाराज करोगे तो हम वफादार है कि गद्दार है? ये सच बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आसमान से कितनी किताबें आई? 104 में आसमान से कितनी किताबें आई? हाँ, बड़ी बड़ी, मैंने बोलो बड़ी बड़ी, बाकी दूसरी भी आई, छोटी छोटी किताबें आई, कुल मिलाकर पूरा मजमा बोलेगा कितनी किताबें आसमान से आई? 104 बड़ी किताब आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात को नाजिल फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ज़बूर उतारते गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील आती है, और हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल होता। आपकी अकल हैरान हो जाएगी मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब? हजरत दाऊद पर ज़बूर, हजरत ईसा पर। तीनों किताबों के बारे में पूछो कि जिन पर किताब उतरी है वो नबी का नाम कितनी मर्तबा? तौरात में हजरत मूसा का नाम कितनी मर्तबा? ज़बूर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी मर्तबा? इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी मर्तबा? उलेमा किराम ने मुताला करके लिखा कि तीनों किताबों में तीनों नबियों के नाम, यानी तौरात में हजरत मूसा, ज़बूर में हजरत दाऊद, इंजील में हजरत ईसा, 15 मर्तबा से ज्यादा नाम नहीं है, 15 मर्तबा से ज्यादा। और हमारे नबी पर कौन सी किताब उतरी? कुरान। कितनी आए? कुरान पाक में 6,666 आयतें, जिसमें 1200 आयतें अगर नाजिल होती है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक पर नाजिल होती है। कितनी आयतें? इसीलिए हजरत आयशा, हमारी माँ आयशा सिद्दीका कायनात, हमारी माँ हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया था, कई फकान अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा से पूछा गया कि हमारे नबी के अखलाक मुबारक कैसे थे? हजरत आयशा ने फरमाया, कुलुबुहु अल कुरान। हमारे नबी के अखलाक क्या थे? मैंने भी अहमदाबाद में एक सवाल पूछा था, मालेगांव में भी पूछ रहा हूँ, हम लोग नबी को देखना चाहते हैं। अरे हाँ या नहीं? अरे भाई कितना ही बड़ा शराबी कबाबी जुआरी होगा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा को कौन देखना नहीं चाहता? हाथ ऊपर करो मालेगांव वालों, कौन कौन नबी को देखना चाहते हैं? अरे दोनों हाथ ऊपर करो भाई, सब मोहम्मद मुस्तफा का दीदार करना चाहते हैं। हजरत आयशा की ये रिवायत पे अमल कर लो। हजरत आयशा से जब पूछा गया कि हमारे नबी के अखलाक मुबारक कैसे थे, हजरत आयशा ने फरमाया, हमारे नबी के अखलाक कुरान थे। उलेमा ने इसका मतलब बताया, कुरान देख ले ए मालेगांव वालों, कुरान देख ले, मुस्तफा नजर आएंगे, मुस्तफा देख ले, कुरान पाक नजर आए। और हम कुरान देखते, कुरान और मुस्तफा में जो मोहब्बत और जो निस्बत है, हां सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, साथ में बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इल्म बनाया तो अल्लाह ने मुस्तफा को आलिम बनाया। ए सुभान अल्लाह, एक जुमले पर सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने कुरान पाक को इल्म बनाया तो मुस्तफा को आलिम बनाया, अगर अल्लाह ने कुरान को अमल बनाया तो मुस्तफा को आमिल बनाया, अगर अल्लाह ने कुरान पाक को जिक्र बनाया तो मुस्तफा को मुजक्किर बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान पाक को इजमाल बनाया तो मुस्तफा को उसकी तफसील बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान पाक को मतन बनाया तो मुस्तफा को उसकी शरह बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान पाक को नसीहत बनाया तो मुस्तफा को नासिह बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान को वाज बनाया तो मुस्तफा को वाइज बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान पाक को हिदायत बनाया तो मुस्तफा को हादी बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान पाक को नूर की नूर तो मुस्तफा को सिराज मुनीर बना दिया, और अगर अल्लाह ने कुरान को रहमत रहमत बनाया तो मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। मेरे प्यारो, ये कुरान क्या चीज है? हमने कभी कुरान पाक के बारे में सोचा? कुरान बोलो क्या? मैं अगर कहूँ ना गलत नहीं होगा, कितनों को कुरान का तर्जुमा भी नहीं मालूम होगा। कोई पूछे ना कि कुरान का तर्जुमा क्या? भाई कुरान क्या मतलब क्या कुरान का? कुरान के माने आते मिलना और मिलाना, साथ में बोलो कुरान के माने क्या आते? क्यों कुरान
से मिला, कुरान ने अल्लाह से मिला दिया, बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला, कुरान ने मुस्तफा से मिला दिया, बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला, कुरान ने उसको हिदायत से मिला दिया, बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला, कुरान ने बरकतों से माला माल कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान, अरे कुरान के हरूफ, बोलो कुरान के हरूफ मिलते गए, अल्फाज बन गए, अल्फाज मिलते गए, कलीमे बन गए, कलीमे मिलते गए, जुमले बन गए, अरे जुमले मिलते गए, रुकुए बन गई, रुकुए मिलती गई, मंजिले बन गई, मंजिले मिलती गई, पारे बन गए, पारे मिलते गए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान पाक हमको नसीब हो गया। कुरान पाक के बारे में कोई पूछे ये कुरान कैसा कलाम है, हम कहेंगे कुरान करीम में पारे कितने, बोलो ना, कुरान करीम में पारे कितने, तो 30। कुरान पाक में सजदे की आयतें कितनी, तो 14। कुरान पाक में रुकू कितने, तो 558। कुरान पाक में सूरतें कितनी, तो 114। कुरान पाक में मद कितने, 1771। कुरान पाक में आयतें कितनी, 6668। हमारे नबी का जिक्र कुरान में कितनी मरतबा, 1200। वो तो किसी में हिम्मत नहीं है, और मेरे में तो बिल्कुल नहीं कि 1200 तक जाऊं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं कि कुरान पाक में हमारे नबी का जिक्र कहां कहां है। इजाजत है आपकी, यानी पहले एक मरतबा बोलो गद्दारी करोगे, एक मरतबा साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, और हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन, रबीउल अव्वल महीना है, बोलो हमारे नबी का आना भी, हमारे नबी का जाना भी, और हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, मोहब्बत करते करते और करते। हम कुरान पाक से पहला सवाल पूछे, कुरान ये बता मेरे नबी का नाम क्या। हम कुरान पाक से पहला सवाल पूछे, कुरान ये तो बता हमारे नबी का नाम क्या। कुरान पाक ने जवाब दे दिया, हमारे नबी के दो नाम आए हैं, एक मोहम्मद आया है और एक अहमद आया है। कुरान पाक में मोहम्मद 4 जगह पर आया और अहमद, बोलो बोलो अहमद। कुरान पाक में मोहम्मद 4 जगह पर आया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वकफा बिललाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मरतबा मोहम्मद, और अहमद एक मरतबा आया। वह मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। हमने कुरान से सवाल पूछा, कुरान में बता दिया मोहम्मद 4 जगह पर और अहमद। हमने कुरान करीम से दूसरा सवाल पूछा, ए कुरान ये तो बता दे मेरे नबी का चेहरे अनवर कैसा था। आवाज नहीं आ रही, मेरे नबी का चेहरे अनवर कैसा था। कुरान ने जवाब दे दिया, वो शम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा। हमने कुरान पाक से तीसरा सवाल पूछा, मेरे नबी के बाल मुबारक कैसे थे। बोलो मेरे नबी के, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक 4 तरह, हज्जतुल वदा में हलक, बोलो हज्जतुल वदा में हलक, हलक समझते हो ना, और बाकी जिंदगी में हमारे नबी के बाल मुबारक 3 तरह, वफरा लिम्मा जुम्मा, बोलो वफरा लिम्मा जुम्मा। हम कुरान पाक से पूछे हमारे नबी के बाल मुबारक कैसे थे, कुरान पाक ने जवाब दिया, वल्लैल इज़ा यग्शा वल्लैल इज़ा सजा। ये कुरान पाक से 3 सवाल हो गए, हमारे नबी के नाम कुरान ने बता दिए, हमारे नबी का चेहरे अनवर बता दिया, हमारे नबी के बाल मुबारक बता दिए। हमने चौथा सवाल कुरान पाक से पूछा, ए कुरान ये तो बता दे मेरे नबी का बचपन कैसा था। एक एक सवाल पे सुभान अल्लाह बोलेंगे, हमारे नबी का बचपन कैसा था। कुरान करीम ने जवाब दे दिया, अलम यजिदक यतीमन फआवा। हमने
पांचवा सवाल पूछा, एक कुरान ये बता दे हमारे नबी का नॉलेज कैसा था, एजुकेशन कैसा था, हमारे नबी का इल्म कैसा था। कुरान पाक ने जवाब दे दिया, वह वजदा कमालन फहदा। हमने कुरान पाक से छठा सवाल पूछा, एक कुरान ये बता दे मेरे नबी की अमीरी कैसी थी और मेरे नबी की गरीबी कैसे थी। हमारे नबी अमीर भी, और बोलो हमारे नबी अल्लाह ने जवाब दे दिया, वह वजदा कमालन फहदा। कितने सवाल आप हो गए, बोलो कितने हो गए, आप लोग उंगलियों पर गिनते जाओ ना, कितने हो गए, छह। हमने सातवां सवाल पूछा, एक कुरान ये तो बता दे मेरे नबी का सीना मुबारक कैसा था। अरे सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत वाले, मेरे नबी का सीना मुबारक कैसा था। कुरान करीम ने जवाब दे दिया, अलम नशरा लक सदरक। हमने कुरान करीम से आठवां सवाल पूछा, मेरे नबी की पीठ मुबारक कैसी थी। कुरान करीम ने जवाब दे दिया, अल्लज़ी बगरक। हमने कुरान करीम से नौवां सवाल पूछा, मेरे नबी का दिल मुबारक कैसा था। मेरे नबी का दिल मुबारक कैसा था। कुरान करीम ने जवाब दे दिया, आला कल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। हमने कुरान करीम से दसवां सवाल पूछा, मेरे नबी के दिल मुबारक के अंदर जो मगज था जिसको जमजम के पानी से धोया गया था वो कैसा था। करीम ने जवाब दिया, मा कदबल फुआद मारा। हमने कुरान करीम से ग्यारहवां सवाल पूछा, मेरे नबी की जुबान मुबारक कैसी थी। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। कुरान करीम ने जवाब दिया, फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक। हमने कुरान करीम से बारहवां सवाल पूछा, ए कुरान ये बता दे हमारे नबी दिन में क्या करते थे। भाई दिन में, दिन के वक्त में क्या करते थे। कुरान करीम ने जवाब दिया, इन्ना लकफी सबहिला। हमने कहा ए कुरान ये बता दे हमारे नबी की रात मुबारक कैसी थी। कुरान करीम ने जवाब दिया, कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु कलीला। सुन रहे हो ना। हमने कुरान पाक से चौदहवां सवाल पूछा, ए कुरान ये बता दे मेरे नबी खामोश कैसे होते थे। भाई मेरे नबी खामोश कैसे होते थे। कुरान पाक ने जवाब दे दिया, ला तुअर्रिक बिही लिसानक लितअजलबी। हमने कुरान करीम से पंद्रहवां सवाल पूछा, ए कुरान मेरे नबी बोलते कैसे थे, फरमाते कैसे थे। कुरान करीम ने जवाब दिया, वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा। सुभान अल्लाह कहना। हमने सोलहवां सवाल पूछा, मेरे नबी के कपड़े मुबारक कैसे थे। अरे सुभान, जोर जोर से बोलो ना, नारे तकबीर। मेरे नबी के कपड़े मुबारक कैसे थे। कुरान करीम ने जवाब दिया, हमने सत्रहवां सवाल पूछा, कि नबी के कपड़े मुबारक तो समझ में आए, लेकिन जब नबी तैयार होते थे और घर के बाहर निकलते थे तो उस वक्त हमारे नबी के कपड़ों की क्या शान होती थी। कुरान करीम ने जवाब दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दसिर। सब सुभान अल्लाह बोला। हमने कुरान करीम से अठारहवां सवाल पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी के हाथ मुबारक कैसे थे। मेरे नबी के, कुरान करीम ने जवाब दिया, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हमने कुरान करीम से बीसवां सवाल पूछा, ए कुरान ये बता दे मेरे नबी के पांव मुबारक कैसे थे। कुरान करीम ने फरमाया, व अंता इल्म बिहादल बलद। हमने कुरान करीम से 21वां सवाल पूछा, ए कुरान ये तो बता दे रबीउल अव्वल महीने में हमारे नबी की विलादत हुई। तो ये तो आज का टॉपिक है ना। ए कुरान ये तो बता दे हमारे नबी की विलादत कैसे हुई। कुरान पाक ने जवाब दिया, रब्बना व बाथ फीहिम रसूलन मिनहुम। हमने 22वां सवाल पूछा, ए कुरान ये बता दे हमारे नबी दुनिया में क्यों आए, हमारे नबी का मकसद मुबारक क्या था, हमारे नबी का पर्पस आने का क्या था। कुरान करीम ने जवाब दिया, यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल
अब सब सुभान अल्लाह कहना। हमने कुरान करीम से 23वां सवाल पूछा, हमारे नबी के दांत मुबारक कैसे थे? दांत मुबारक आपको मालूम है, हजरत अबू हुरैरा ऐसे करीब में बैठते थे, हमारे नबी बयान करते थे। ये सुनना, हजरत अबू हुरैरा ऐसे देखते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा बाहर गए तो बड़े बड़े साहबा ने पूछा, अबू हुरैरा तुम बिल्कुल आगे बैठते हो और हमारे नबी का चेहरा देखते हो, तो देखते क्यों हो चेहरा? अरे सारे लोग लिखते हैं, सुनते हैं, आपकी गर्दन झुका के सुने, आप नबी का चेहरा क्यों देखते हैं? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, इस इंतजार में देखता हूँ कि मेरे नबी मुस्कुराते रहे। सुभान, बोलो बोलो, इस इंतजार में देखता हूँ कि मेरे नबी मुस्कुरा। तो सारे साहबा ने कहा, उसमें मुस्कुराने को क्या देखना, हंसना को सबका देखते हैं, रोना भी सबका देखते हैं, उसमें देखना क्या? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, वही तो कमी है तुम में, तुमने कभी नबी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मेरे नबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरे नबी जब मुस्कुराते, जब भी मेरे नबी मुस्कुराते हैं, सामने दीवार मुबारक पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आती है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहकु वसिनानुहु ततलालउ फौकल जुदरान। हजरत अबू हुरैरा कहते, दांत मुबारक की चमक सामने नजर आती है। हमने कुरान से 23वां सवाल पूछा, एक कुरान मेरे नबी के दांत मुबारक बताते हैं, बहुत से उलमा ने इसके बारे में लिखा। कुरान ने फरमाया, पढ़ो, कुरान ने फरमाया, यासीन वल कुरान हकीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के दांत मुबारक का भी जिक्र किया। अब हमने पूछा कि ये कुरान ये बता दे, मेरे नबी कौन सी जगह पर पैदा हुए, कौन सी जगह पर पैदा हुए? कुरान करीम ने 24वां जवाब भी दे दिया, वहादल बलदिल अमीन। हमने कुरान करीम से एक अजीब सवाल पूछा 25वां, ए कुरान तू बता दे कि मेरे नबी तुझे कैसे पढ़ा करते थे। कुरान तू बता कि मेरे नबी तुझे कैसे पढ़ा करते थे? कुरान करीम ने जवाब दे दिया, वरतिल कुरान तरतीला। हमने कुरान करीम से 26वां सवाल पूछा, ए कुरान मेरे नबी से अल्लाह ने क्या वादा किया, अल्लाह का वादा क्या हुआ था मेरे नबी से? कुरान करीम ने जवाब दे दिया, अल्लाह ने एक वादा अपने बारे में किया था, मा वद्दा का रब्बू का वमा खला। अल्लाह ने फरमाया था, मेरा वादा है मुस्तफा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और कभी तुमसे नाराज भी नहीं बनूंगा। बस हो गई, और सुनना है? सुनना है, एक दो सुन लेंगे और। हमने कुरान करीम से 27वां सवाल पूछा, नबी ने उम्मत से क्या वादा किया, एक कुरान बता दे हमारे नबी ने उम्मत से क्या वादा किया? कुरान करीम ने जवाब दे दिया, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। जब अल्लाह ने कहा था मेरे नबी मांग लो क्या मांगते हो, तो हमारे नबी ने मांगा था, अल्लाह ने कहा मांगो, हमारे नबी ने कहा नहीं कुछ नहीं मांगना। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपको जन्नत चाहिए, आपको मकाम महमूद चाहिए, आपको अल्लाह का दीदार चाहिए, आपको माल और दौलत चाहिए, मांगो, क्या मांगते हो? हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी मरतबा अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा मांग लो, हमारे नबी ने फरमाया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने कहा मांग लो, जो मांगोगे मैं अता करूंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया, इज़न ला अरज़ा व वाहिदु मिन उम्मती फिन्नार। हमारे नबी ने कहा, अल्लाह अगर तू कहता है मांग ले तो मैं मांग लेता हूँ, अल्लाह सब कुछ होने देना, लेकिन मेरे किसी उम्मती को जहन्नम में जाने मत देना। बोलो ना भाई, अल्लाह अकबर तो बोलो, फिर मेरे पास ही बुलवाते रहोगे आप लोग। कितने सवाल हो गए मेरे को भी नहीं मालूम, 26-27 सवाल हो गए ना, बस और चलना है। हमने कुरान करीम से पूछा, ए कुरान मेरे नबी की मेराज तो बता दे। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ने जवाब दिया, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैला। कुरान करीम ने जवाब दिया,
अच्छा ये तो जमीन वाली सफर हो गई, हमने कुरान से पूछा आसमान वाला सफर भी बता दे। अल्लाह ने फरमाया तुम मदना फतदल्ला। हमने तीसवा सवाल पूछा ए कुरान ये तो बता दे अल्लाह ने प्यार से नबी को कैसे पुकारा। हाँ। अल्लाह ने प्यार प्यार मोहब्बत मोहब्बत से नबी को कैसे पुकारा। कुरान ने जवाब दिया आखिरी सवाल हमने कुरान करीम से पूछा भाई कोई मोहब्बत में आता है ना तो कहता है जान हाँ या नहीं मौला। ये हमारे जवान है ना इनके मोबाइल पर अगर घंटी बजे और माँ का फोन आया इसकी स्टाइल देखना। हेलो हाँ सलाम अलैकुम हाँ बोल हाँ 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 मैं आ जाऊँ हाँ ठीक है अस्सलाम वालेकुम। और गर्लफ्रेंड का फोन आया एक तो पहले ऊपर लिखा होगा जान आप क्या लिखते हैं मोबाइल चेक करना होगा रोज पता है आपके मोबाइल में सुकून है दिन काश हम भी ऐसा लिखने वाले बच्चे हमको तो बोलना ही नहीं आता बीवी के सामने जाके मालूम नहीं इतना जितना बाहर मेरी बीवी ने एक मतलब मुझे किसी ने पूछा कि ए मौलाना बाहर इतने लंबे लंबे बयान करता बीवी के सामने बयान करता मैंने कहा नहीं सुनता किसी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए नहीं हो हेलो हाँ कहाँ है तू तूने खाना खाया नहीं तेरा बाप खिलाएगा नहीं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं माँ के साथ वो मामला। खैर मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि कभी किसी को मोहब्बत में आते हैं तो क्या कहते हैं अल्लाह ने भी मोहब्बत में कहा मुस्तफा मेरी जान है। बोलो 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 सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। हमने कुरान करीम से एक आखिरी सवाल पूछा है अल्लाह तूने मुस्तफा को जान कहा ए अल्लाह तूने मुस्तफा को जान कहा अल्लाह की तरफ से जवाब आया कुरान ने जवाब दिया अल्लाह जल्ला जलालुहु ने मुस्तफा को जान कहा। 12 नंबर 14 अल्लाह ने फरमाया ला अमरुक तेरी जान की कसम क्या फरमाया ला अमरुक इन्नहु नबी अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा तेरी जान की कसम तो मेरे प्यारों अल्लाह ने मुस्तफा को जान से भी